नमस्कार, मैं गगन तनुश्री सीड से। आज हम लोग आए हैं पूर्णिया जिला के जलालगढ़ प्रखंड के भरेली गांव में। यहां पे एक बहुत जाने माने ही किसान हैं मोहम्मद इस्माइल जी। इन्होंने अपने खेत में तनुश्री कंपनी का BB11 वैरायटी का धान लगाए थे, तो इनसे जानते हैं ये जो धान लगाए थे इनका पैदावार कैसा था, इससे वो संतुष्ट हैं या नहीं है, तो जानते हैं इस्माइल जी से। भैया, आप जो ये धान लगाए तो इसका कैसा आपको अनुभव रहा? अच्छा ही लगा। अच्छा ही लगा ना, तो आप अगले बार इस धान को लगाएंगे या फिर कुछ और ट्राई करेंगे? लगाएंगे। हाँ, तो इनका कहना यही है। और साथ में यहाँ पे जो जाने माने वो आप नहीं आए थे, रिंकू जी अनुभव आइए ना। हाँ, ठीक। इस बाजार के जो जाने माने दुकानदार हैं निर्भय भैया, अब इनसे भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल है, यहाँ पे सारा पूरा पंचायत में यही बीज सप्लाई करते हैं, खाद वगैरह देते हैं, तो इनका भी अनुभव जानते हैं कि इस बीज का कैसा रिस्पॉन्स रहा है, किसान का क्या है। तो भैया, कैसा इस बीज को जो आप बेचे तो आपको कैसा लगा, कि अच्छा है या फिर? नहीं, अच्छा है इसका। हम भी खुद 25-30 बीघा खेती किए हैं, अच्छा यील्ड गया है। और तनुश्री का धान का बिचार जो है 140 बैग जो है। देखिए, भैया का ये कहना है कि ये खुद एक किसान है और 30-35-40 बीघा में भी ये अपना खेत में लगाए थे तनुश्री का धान, और जलालगढ़ में यहाँ पे लगभग 40 बोरा बेचे हैं धान। तो आप लोगों से बस यही कहना हम लोग चाहेंगे कि आप बेहतर बीज का चुनाव करें, जिसमें से ये तनुश्री का बीज बहुत ही बेहतर है। इसका BB11 जो धान बीज है इसको आप लगाएं, लेकिन अभी रबी का मौसम चल रहा है और मक्का का सीजन है। इस कंपनी का दो वैरायटी है मक्का बीज, 2355 और 2608, आप उसको भी लगा के ट्राई कर सकते हैं। इसका उपज बहुत ही बढ़िया है, आप इसे लगा के ज़रूर देखें।